नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से महामुकाबला होने वाला है एशिया कप 2023 के सुपर फोर राउंड में। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होंगी और फैंस जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। 10 सितंबर को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से महामुकाबला देखने को मिलेगा और टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खास प्लान बना लिया है। सूर्य कुमार यादव की एंट्री होगी टीम में और उसके साथ केएल राहुल भी खेलेंगे और ईशान किशन भी खेलेंगे। तो कैसे पॉसिबल है ये कॉम्बिनेशन और कैसे ये तीनों खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं और कौन से वो दो खिलाड़ी होंगे जो बाहर जाएंगे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 2 सितंबर को खेला गया था जो कि बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, मैच रद्द हो गया था। लेकिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने भारत का टॉप ऑर्डर ध्वस्त कर दिया था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर 66 रन पर ही 4 विकेट गिर गए थे टीम इंडिया के और इस मुकाबले में कहीं कहीं पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज थे वो टीम इंडिया पर हावी रहे। लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जानदार, शानदार और धमाकेदार पारी ने टीम इंडिया को 266 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन वो मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था और उस मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकला था। लेकिन अब एक बार फिर से 10 सितंबर को सुपर फोर राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है और अब ज्यादा समय बचा नहीं है इस मुकाबले में। लेकिन इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया ने एक खास प्लान बनाया है जिसमें सूर्य कुमार यादव की एंट्री होगी, केएल राहुल की भी एंट्री होगी और आपके ईशान किशन भी बाहर नहीं जाएंगे। तो कैसे ये पॉसिबल है ये तीनों खिलाड़ी एक साथ खेलना, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल श्रेयस अय्यर की बलि चढ़ाने की टीम इंडिया सोच रही है, श्रेयस अय्यर को बाहर करेगी टीम इंडिया और उनकी जगह पर केएल राहुल आपको 5 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे और 4 नंबर पर जो कि लगातार फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 82 की पारी भी खेली थी, धमाकेदार पारी खेली थी आपके ईशान किशन ने। तो ईशान किशन को नंबर 4 पर टीम इंडिया खिलाएगी और नंबर 5 पर केएल राहुल की एंट्री होगी और केएल राहुल की नंबर 5 पर धमाकेदार पारियां हैं और जो उनके आंकड़े हैं नंबर 5 और बहुत अच्छे हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 4 पर आपको ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 5 पर केएल राहुल आपको खेलते हुए नजर आएंगे और नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव की एंट्री होने वाली है क्योंकि शार्दुल ठाकुर को टीम इंडिया बाहर करने की सोच रही है और सूर्य कुमार यादव की एंट्री टीम इंडिया में हो सकती है। नंबर 6 पर आपको पाकिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरीके के बल्लेबाज हैं और अगर सूर्य का बल्ला चलता है, मिस्टर स्काई का बल्ला चलता है तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ देंगे सूर्य कुमार यादव क्योंकि 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं सूर्य कुमार यादव और नंबर 6 पर बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे अगर लास्ट में उनको 15 ओवर खेलने को मिलते हैं और अगर सूर्य का बल्ला चल गया तो आप जानते ही हैं कि सूर्य किस तरीके के बल्लेबाज हैं। फिर चाहे सामने नसीम शाह हो, हारिश रऊफ हो या फिर शाहीन शाह अफरीदी हो, सबकी गेंदबाजी की जो लाइन है वो बिगाड़ देंगे आपके सूर्य कुमार यादव। इसीलिए टीम इंडिया खास प्लान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में उतरने वाली है। 10 सितंबर को यह मुकाबला खेला जाएगा और सूर्य कुमार यादव और आपके केएल राहुल की इस मुकाबले में एंट्री हो सकती है। तो पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में टीम इंडिया 2 चेंजेस कर सकती है, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की एंट्री हो सकती है, वहीं श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर की इस मुकाबले से छुट्टी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इस महामुकाबले में कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।